नमस्कार प्रणाम, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है NTR सैनिक। कई सालों बाद, ठीक है, करीब एक साल बाद हो चुका है, ठीक है, उसके बाद जा एक ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे ही डिस्ट्रिक्ट में एक कॉलेज है, मेरा डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, वैशाली। ओके, तो मैं अभी हूँ वैशाली इंजीनियरिंग कॉलेज के ग्राउंड एरिया, जो यहाँ पे बॉयज हॉस्टल है, यहाँ पे देख सकते हो। और सामने मेरे हैं फैकल्टी रूम, और ये दूसरा वाला स्टाफ क्वार्टर। एक स्टाफ क्वार्टर, एक फैकल्टी रूम, दोनों में लिखा हुआ है नहीं, इसलिए मेरे को पता नहीं चल पा रहा है कि दोनों है क्या। और ये एक बड़ा सा ग्राउंड, अच्छा यहाँ पे दो ग्राउंड है ना, एक यहाँ पे है, एक एकेडमिक है। अभी तक एक खास बात मेरे को अभी तक इस वाले कैंपस में लगाया गया, अभी तक बाकी कैंपस में नहीं देखा था। इस कैंपस में खास बात क्या है कि जो हमारा स्टूडेंट का एरिया है और जो हमारे फैकल्टी का एरिया है, दोनों अलग अलग है। और फैकल्टी का एरिया और स्टूडेंट का एरिया ऑफकोर्स अलग अलग है, एक डिस्टेंस मेंटेन करता है। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज़, जो एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है और जो स्टूडेंट का ब्लॉक है, वो भी अलग अलग है। एकेडमिक ब्लॉक है, एकेडमिक ब्लॉक के टॉप फ्लोर पे, टॉप फ्लोर यानी छत पे हम लोग पहुँच चुके हैं। और मेरे साथ है शुभम। तो शुभम बहुत कुछ बता रहे थे प्रिंसिपल सर के बारे में और बाकी सभी चीज़ों के बारे में। और मेरे को एक चीज़ बहुत अच्छा लगता है कि जब कोई सपोर्टिव स्टाफ होता है, या फिर जो भी टीचिंग हो या नॉन टीचिंग हो, जब तक वो अगर सपोर्टिव नहीं है, उस कॉलेज का उद्धार नहीं हो सकता है। तो शुभम ने मेरे को कई सारे बात बोले, जैसे कि यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा है, बहुत बढ़िया है, ठीक है, और कम से कम इन लोगों को वो चीज़ प्रोवाइड करता है जो चाहिए होता है। मिनिमम चीज़ जो एक इंजीनियरिंग कॉलेज में चाहिए होता है वो प्रोवाइड होता है। उससे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रिंसिपल का कैरेक्टर कैसा है। प्रिंसिपल अगर जैसे कि होता है क्या है कि कई सारे कॉलेज में प्रिंसिपल अगर सपोर्टिव ना हो ना, तो वो कॉलेज उतना ग्रो नहीं कर पाता है। होता क्या है कि स्टूडेंट कुछ और चाहिए होता है और जो प्रिंसिपल है वो देता कुछ और इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसी कारण प्रिंसिपल को वो चीज़ होना चाहिए, एक लीडरशिप क्वालिटी होना चाहिए जो बोलते हैं, बस वो वही बात है भैया, जैसा कि बता ही रहे हैं प्रिंसिपल सर। लेकिन हम हमारे प्रिंसिपल सर का बात करेंगे, वो बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव है। जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में भी, हमारे प्रिंसिपल सर जो हैं पूरे बिहार के साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। okay. तो उनके पास लगभग 2-3 डिपार्टमेंट उनको बिहार सरकार के द्वारा अलॉटेड किए गए हैं, जिसमें हमारे कॉलेज भी एक है। हमारे कॉलेज में वो प्रिंसिपल के तौर पे आते हैं। प्रिंसिपल सर को मतलब उतना टाइम नहीं मिल पाता है, कभी कभी आते हैं, लेकिन जब भी आते हैं प्रिंसिपल सर, मतलब कि एक एक टाइम वो ऐसा सोचते रहते हैं कि कैसे कॉलेज में कुछ डेवलपमेंट करें। मतलब जिस दिन आएंगे उस दिन मतलब वो चाहते हैं कि कॉलेज में कुछ न्यू इन्वेंट करें, बच्चों का पढ़ाई कैसा चल रहा है, क्लासेज कैसे हो रहे हैं, अटेंडेंस कैसे हैं। वो आते हैं तो बस इन्हीं सब चीज़ों में लगे रहते हैं, और उनका एक एक टाइम जो होता है हमारे डेवलपमेंट के लिए होता है। अच्छा, डिपार्टमेंट कौन सा है आपका? डिपार्टमेंट मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है। तो एक जो लैब है आपके ब्रांच को, वो कैसा है? लैब तो बहुत अच्छे हैं। अभी फिलहाल हमारे लैब में कुछ चीज़ों की कमी थी, क्योंकि मैं जो चीज़ है मैं उसको रियलिटी से आपको सबको बताऊँगा। बट हमारे प्रिंसिपल सर से बात हुई थी, हम लोग के HOD से भी बात सर से हुई थी, तो मतलब जो भी सामान वगैरह हैं वो बहुत जल्दी यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि हमारा कॉलेज अभी इस साल से ही मतलब स्टार्टअप हुआ है और लगभग एक साल हुआ होगा। हम लोग का 22 अगस्त 2022 के अप्रॉक्स में हम लोग का हॉस्टल शुरू हुआ था, और लगभग एक साल में इस कॉलेज का जितना डेवलपमेंट हुआ है ना, मैं गारंटीड कहता हूँ कि अगर बिहार में 38 कॉलेज हैं, उतना किसी कॉलेज में डेवलपमेंट नहीं हुआ होगा जितना कि ये एक साल के कॉलेज में डेवलपमेंट हुआ है। अभी हमारे यहाँ कुछ नहीं था, ये ग्राउंड्स वगैरह नहीं था, वॉलीबॉल ग्राउंड, ये देखिए बास्केटबॉल ग्राउंड, उधर हॉस्टल में बैडमिंटन ग्राउंड, सब चीज़ों को एकदम व्यवस्थित किए हैं, और जैसा कि आप सब देख ही रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे मेरे को बहुत सारी जानकारी मिल चुका है। देखो वैशाली जिसका भी डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, तो वैशाली यहाँ एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। कितना और ब्रांच यहाँ पे, अभी CSE एक नया आया है। ओके, लगभग यहाँ पे दो CSE के दो ब्रांच हो गए हैं, एक IoT हो गए हैं और एक डाटा साइंस भी हो गया है। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे CSE एक सत्र से MTech हाँ, और अच्छा, ये भी बिहार में मतलब कि पहले अभी MIT वगैरह में MTech था, और हाल ही में कुछ दिन पहले 4-5 दिन पहले हम लोगों ने न्यूज़ सुना, और जो हमारे प्रिंसिपल सर के योगदान से इस कॉलेज में MTech इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में MTech की शुरुआत हुई है। ओके, तो ये भी हमारे कॉलेज के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे यहाँ अब MTech की भी पढ़ाई शुरू होगी। ओके, तो MTech का अगर बात जहाँ तक रहा, मेरे को और बाकी किसी कॉलेज में ये सुनने को नहीं मिला था कि MTech वहाँ पे स्टार्ट होगा। अगर यहाँ पे स्टार्ट हो रहा तो बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा कई सारे बातें हैं, जैसे कि देखो
इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है, एजुकेशन बढ़िया है। और जैसे कि देखो, अगर आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज लेना है तो वैशाली एक बेस्ट चॉइस हो सकता है। वैशाली एकदम बिल्कुल एक बेस्ट चॉइस है। जब जैसे कि अभी इतना हमारे यहाँ हॉस्टल्स वगैरह हैं, फैकल्टी हॉस्टल हैं, गर्ल्स हॉस्टल हैं और ये एकेडमिक ब्लॉक है, और इसके साथ साथ पीछे जो कृषि विभाग का जमीन है वो सारे अलॉट हो चुके हैं हमारे कॉलेज के लिए। ओके। और एक अभी यहाँ पे टेम्पोररी हमारे प्रिंसिपल सर ने बात किया था कि लगभग हम लोग 1500 मतलब जो भी रहते हैं लोग इस कैंपस में रहते हैं, तो उसके लिए प्रिंसिपल सर ने बात किया हुआ था। और यहाँ के जो भी सेक्रेटरी हैं बिहार के साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के और जो मंत्री हैं उनके उनके पास एक प्रस्ताव भेजा था कि इस ये जो जमीन सामने खाली पड़ी है इसमें एक टेम्पोररी हॉस्पिटल एक बनवाया जाए, जिससे कि यहाँ के प्रोफेसर और जो भी स्टूडेंट्स रहते हैं उनके लिए कोई समस्या ना हो। और इस जो ये प्लेस देख रहे हैं आप सामने में, यहाँ पे एक मतलब मे बी आने वाले समय में 6 से 7 महीने में या फिर जब भी हो एक हॉस्पिटल बनाया जाएगा, छोटा सा ही होगा। अब जैसा होगा वो उसकी जानकारी तो हमें नहीं है, बट यहाँ पे एक हॉस्पिटल बनेगा। और पीछे ये सारे अभी हम लोग आपको दिखाएंगे, पीछे लगभग इतना ही प्लेस बचा हुआ है और उसमें जो है कॉलेज को ही वो अलॉटेड हो चुका है। और हम लोग को लगता है कि बस कुछ ही दिनों के बाद उसमें जो काम शुरू होने की प्रक्रिया है वो शुरू होगी, और उसमें भी हो सकता है कि एमटेक की पढ़ाई के लिए एकेडमिक ब्लॉक्स बने या फिर हॉस्टल वगैरह बने, तो इसकी जानकारी तो अभी हमें नहीं है। बट ये पीछे अभी हम लोग दिखाएंगे आपको, उसमें कॉलेज को सारी ज़मीनें अलॉट हो गई हैं। और आने वाले समय में वैशाली जो है वो 3800 कॉलेज में लीडिंग कॉलेज चल रहा है। अभी इसका पोजीशन नीचे था और नीचे से ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है और धीरे धीरे इसका रैंक बढ़ रहा है। और यहाँ के बच्चे जो हैं बाहर जाके अच्छे कर रहे हैं, IITs वगैरह में एमटेक के लिए एडमिशन हो रहा है। ये सारे जितने आप देख रहे हैं वहाँ तक बाउंड्री लगे हुए हैं, वहाँ तक इस कॉलेज को अलॉट हो चुका है ज़मीन। और okay, इसमें हो सकता है कि फ्यूचर तो में काम शुरू। यहाँ पे मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। तो मेरा कॉलेज, जैसे कि मैं पता है सभी को कि मेरा मधेपुरा है, तो यहाँ पे मेरे सर का दो सर का ट्रांसफर हुआ था, तब उन्होंने एक बात बताया था कि ये जो कॉलेज है जहाँ पे ये बना है, बिहार में एक पहले फेमस स्कूल हुआ करता था जिसको हम लोग बोलते थे चरवाहा विद्यालय। तो ये जो ज़मीन है उसी पर बनाया गया है, ठीक। क्यों, अब देखो गवर्नमेंट को होता क्या है, गवर्नमेंट ने तो सोच लिया कि उसे कॉलेज बनाना है बट उसे कहीं ज़मीन नहीं मिला। बट ये वो ज़मीन था जहाँ पे पहले ये चरवाहा स्कूल हुआ करता था, उसके बाद यहाँ पे नया इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करके इंजीनियरिंग के लिए और उसके बाद इस कॉलेज को बनाया गया। तो ये बहुत बड़ा एरिया हुआ करता था, शुरू में इसको कम ज़मीन अलॉट किया गया था। ओके। उसके बाद जितने भी यहाँ उस स्कूल उस विद्यालय के जितने भी प्रॉपर्टी थी वो बाद में इस कॉलेज को दे दिया गया था। यहाँ से मेरे को आप बिल्डिंग वो जो दिख रहा है एक रेलिंग किया गया है वहाँ तक इस पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इसी का हो गया है। ये जितना भी रोड है ये सभी उसी एकेडमी के अंदर आता है। वो मेरे को लगता है लास्ट वाला वो जो घर है वो भी इसी के अंदर आएगा। और जहाँ तक रहा यहाँ पे मेडिकल की प्रोवाइड करने का, देखो ये सब डेवलपमेंट की बात है, ये सब वादा तो हो चुका है बट ये डेवलप कब तक होगा कैसे होगा इसका अनुमान लगाना काफ़ी मुश्किल है। आप ये बोल रहे हैं भैया, मैं यहाँ पे आपसे सहमत नहीं हूँ। ओके। क्योंकि बात आप अगर डेवलपमेंट की कर रहे हैं तो मैं जैसा कि देख रहा हूँ, क्योंकि अभी हम लोग 1 साल में यहाँ शिफ्ट हुए हुए हैं और 1 साल में मुझे नहीं लगता कि किस कोई कॉलेज इतना ज़्यादा डेवलप करेगा। कॉलेज का डेवलपमेंट में ये मैटर नहीं करता है कि उसके पास कितना स्पेस है, कितना एकेडमिक ब्लॉक्स है, कितना हॉस्टल्स वगैरह है, वहाँ पे मैटर ये करता है कि मेडिकल का जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर ये कब तक बिल्ड होगा, मेडिकल कोई डेटा है नहीं, डेटा वगैरह तो अभी अप्रोक्स कुछ नहीं हुए हैं, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है अगले 1 से 2 महीने में यहाँ पे जो भी काम है वो शुरू हो जाएंगे। ओके। तो ठीक है, ये तो देखने की बात है, फ्यूचर है कब तक होता है डेवलपमेंट। जैसा कि अभी हम लोग, अभी मैंने भैया से थोड़ा सा कैमरा लिया और जैसा कि अभी हम लोग बात कर रहे थे, राहुल है सिविल ब्रांच से और ये प्रभात है मैकेनिकल से। शायद प्रभात से आप लोग पहले भी मिल चुके हैं। तो अभी हम लोग नीचे चलते हैं और हमारे कुछ जूनियर्स वगैरह से बात करते हैं कि हमारे कॉलेज में क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे कि वर्कशॉप और लैब का क्या हाल है, अगर खुला हुआ तो देख लेंगे। और पढ़ाई का तो जहाँ तक हम लोग को पता है कि अभी हम लोग को बता दिया शुभम की क्या कंडीशन है, इसके कॉन्फिडेंस और इसके जज्बे को देख के मेरे को लगता है कि वैशाली का कंडीशन काफ़ी ज़्यादा। अभी मेरा भी इंटर्नशिप हुआ था, एक पेड इंटर्नशिप हुआ था AICTE का, तो उसमें मतलब कि कॉलेज से भी बहुत ज़्यादा योगदान मिला। पेड इंटर्नशिप था, मुझे 15,000 मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन से मिला भी था। तो कॉलेज का जो भी है ये डिटेल भी मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है, लास्ट में पूछेंगे, उसके लिए एक अलग ब्लॉग भी शूट कर लेंगे या फिर आपसे मैं वो कॉन्टैक्ट नंबर ले लूँगा कि आपने वो इंटर्नशिप कैसे लिया, कैसे प्रोवाइड किया। बिल्कुल। तो मेरे साथ शुभम है, ठीक है, और वो भी हेल्प कर रहा है। मेरे को कई साल हो चुके हैं थोड़ा सा ब्लॉग को छोड़े हुए, तो मेरे को थोड़ा सा वो हेजिटेशन अभी आ रहा है कैसे इसको करना है नहीं करना है। और शुभम मेरे को काफ़ी हाई पिच के साथ और काफ़ी एनर्जेटिक लग रहा है, तो ये भी मेरे साथ है अभी और इसके भी ब्लॉग आप देखते रहेंगे।
ब्लॉग में ये भी एक जो ब्लॉगिंग कर रहा है, ठीक है, मैं कम कर रहा हूँ, यही ज़्यादा कर रहा है। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ सामने आपको एक पाइप दिख रहा होगा। अच्छा, ये देख के मेरे को एक चीज़ याद आया कि बिहार में लास्ट टाइम जो डेथ था वो करीब 2500 के करीब था लाइटनिंग की वजह से। तो मैं अभी पहली बार यहाँ पे किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में देखा हूँ कि लाइटनिंग के लिए लगाया गया है। हाँ भैया, जैसे कि अभी देख सकते हैं ये जितने हमारे कॉलेज हैं या फिर एकेडमिक ब्लॉक हो या फिर हॉस्टल्स वगैरह हो या प्रिंसिपल सर का चैम्बर हो, वहाँ पे ये जितने भी वायर्स लगाए हुए हैं और वहाँ पे एक रॉड टाइप का आयरन रॉड जो लाइटनिंग को लगाया गया हुआ है, जो लाइटनिंग को कैप्चर करके और इस वायर के माध्यम से जो अर्थ में है उसमें सेंड करे, ऑफ कोर्स वो लाइट को ग्राउंड अंडरग्राउंड में सेंड कर देता है, मतलब उसको भेज देता है, उसको न्यूट्रल करता है। और ये डेथ अभी बहुत ज़्यादा बिहार में हो रहा था, अभी इसको नेचुरल डिजास्टर के अंदर लाने की कोशिश भी की जा रही है। तो अभी हम लोग चलते हैं नीचे और देखते हैं, आप लोग को भी दिखाते हैं कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर और क्या क्या यहाँ पर डेवलपमेंट है और क्या क्या कमियाँ हैं, क्योंकि बच्चे जब एडमिशन लेते हैं तो सबसे पहले वो जानना चाहते हैं कि, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं होता है कि बिहार में आप एक एक कॉलेज को जाके और वहाँ पे विजिट करके देखें कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ के टीचर्स कैसे हैं, वहाँ पर पढ़ाई कैसी होती है, वहाँ पर रहने की व्यवस्था कैसी है, वहाँ पर सीनियर्स कैसे हैं। तो चूँकि सारे बच्चे हम लोग भी हैं तो हम लोग भी एडमिशन लिए थे, तो सबसे पहले सब कोई ना कोई YouTube पे ही सर्च करते हैं कि हाँ चलो यार ये इस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो पहले देखते हैं कि कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह कैसा है। तो अभी नीचे चलते हैं और आप लोग को सब दिखाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, और हमारे कुछ दोस्त वगैरह भी आएंगे तो उनसे भी भैया को मिलवाएंगे। चलिए